विजेंद्र सिंह फ्रॉम पीलीभीत। आज हम परसों डिप्लोमा सेकेंड फ्यूचर स्टूडेंट फार्मेसी। माई हॉबीज सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग। आज हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है? रिक्रूटमेंट इज ऐसी प्रोसीजर्स में हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो इंटेलिजेंट हो, क्वालिफिकेड हो। रिक्रूटमेंट मतलब ऐसी प्रोसीजर जिसमें हम किसी कैंडिडेट को डी फॉर्म या एम फॉर्म या बी फॉर्म कंप्लीट किया हो, इसे पीसीआई रजिस्टर से मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब जिस कैंडिडेट ने मतलब 6 मंथ कहीं भी मतलब ट्रेनिंग की हो। जब बात करते हैं रिक्रूटमेंट मेथड, रिक्रूटमेंट मेथड 2 टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में मतलब जैसे एक फार्मेसी कॉलेज होता है, उसमें स्टूडेंट को मतलब पनिशमेंट देता है इज कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब नंबर सेकेंड बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ऐसा होता है जैसे किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वैकेंसी निकलती है, उसके थ्रू मतलब कोई कैंडिडेट मतलब अपने रिज्यूम जमा करता है, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसकी वैकेंसी पूर्ण होती है उसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन मेथड की स्टेप होती है। नंबर एक स्क्रूटनी मेथड होता है, परमानेंट टेस्ट होता है। और नंबर थर्ड की बात होती है सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है मतलब किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, वो फेस टू फेस मतलब अपना इंटरव्यू देता है। नंबर फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट को देखा है उसकी मतलब किसी कैंडिडेट को डिसीज तो नहीं है, मतलब कोई कैंडिडेट से मतलब प्रॉपर अपना वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब इसकी मतलब ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग में मतलब किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में किसी कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है वो अच्छे से मतलब प्रॉपर काम कर सके। और मतलब प्लेसमेंट की बात ये प्लेसमेंट ऐसी प्रोसीज होती है जब किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई कैंडिडेट मतलब अच्छा प्रॉपर काम करता है उसे अच्छे से मतलब प्लेसमेंट दिया जाता है उसे मतलब। थैंक यू। माई नेम इज़ आबिद खान, आई एम परसिंग डी फार्मा सेकेंड ईयर, आई एम फ्रॉम टू पीलीभीत। माई टॉपिक बिजनेस, इसमें इसके पार्ट हैंगे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक इंडस्ट्रीज और एक्सट्रेटिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो होते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ को, कोई भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। और इसके कॉमर्स के 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड्स एंड एड्स। ट्रेड्स वो होता है जिसमें इंटरनल ट्रेड्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स। इंटरनल ट्रेड्स वो होते हैं, ट्रेड वो होते हैं जो कि हमारे आसपास दे अपने खुद के देश में किए जाते हैं। किसी भी चीज़ का बिजनेस या कोई भी चीज़ मंगाना ये इंटरनल ट्रेड कहता है। और इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है जो देश विदेश से बिजनेस किया जाता है। और एड्स वो होते हैं जो ट्रांसपोर्ट, बार हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी।
ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो किसी भी वस्तु को दूसरी जगह पे पहुंचाना है इसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बैंकिंग, किसी भी बैंक में अपने खाते को या किसी भी शाखा में अपने पैसे को जमा करना क्रेडिट कार्ड एंड इसे बैंकिंग कहते हैं। इंश्योरेंस वो होता है जो किसी भी वस्तु या फैक्ट्री या कॉलेज या कोई भी बिजनेस का इंश्योरेंस कराना, इसे हिंदी भाषा में बीमा भी कहते हैं। पैकिंग वो होती है जो किसी भी वस्तु की पैकिंग करके या कोई भी ऑर्डर पे पैकिंग किया हुआ भेजना, पैकिंग करके ही जाता है, इसको पैकिंग कहते हैं। थैंक यू मैम। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की ऑफ मंजर की मंजर